शुभोदय छात्रगण, आज के विषय के संबंधी आज के अंतर में द्वितीय भाषा हिंदी इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष के पाठ विषय कबीर के दोहे, जिसमें चार भाग किया गया, उसमें भाग नंबर एक के बारे में चर्चा करेंगे। और ये वाला जो होता है ये प्राचीन पद्य भाग से है, प्राचीन पद्य भाग से संबंधित शीर्षक बताया गया, जिसके अंतर्गत विषय के विश्लेषण से पूर्व कबीर दास जी का जीवन परिचय के बारे में देखें, कवि परिचय। तो जिसके अंतर्गत कबीर दास जी हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। आप प्राचीन कविवर हैं। कविवर कैसे कहते हैं? कवियों के त्रुटियों को सुधार करने वाला कविवर होता है। और ये प्राचीन कवि जो कबीरदास ही नहीं, सूरदास, तुलसीदास, रहीम, बिहारी, वृंद जैसे लोगों के जन्म, जन्मस्थान, वंश इत्यादि के बारे में काफ़ी लोगों में मतभेद माना जाता है। और कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार इनके जीवन के परिचय का कुछ निर्धारण किया गया, और जिसमें प्राचीन के कवियों में सुप्रसिद्ध माने जाने वाले कबीरदास जी का जीवन परिचय ये जो होता है, ये आप हिंदी के सुप्रसिद्ध प्राचीन कवि, सुप्रसिद्ध माने फेमस, राइट। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट वन ऑफ द टॉपिक, दिस ओल्डन पोएट्री इज फर्स्ट लेसन, द शीर्षक टाइटल इज कबीर के दोहे। सो दिस टॉपिक डिवाइडेड टू फोर पार्ट्स, दैट फर्स्ट पार्ट इज टुडे वी आर डिस्कसिंग दैट अबाउट फर्स्ट पार्ट। सो द टाइटल बिफोर द एक्सप्लेनेशन वी कैन सी दैट द बायोग्राफी ऑफ द पोएट कबीरदास। सो ही वॉज वन ऑफ द फेमस ओल्डन पोएट्स, राइट। सो प्राचीन कवि वर माने जाते हैं, कवियों के त्रुटियों को सुधार करने वाला, कवियों के की त्रुटियां मैंने एरर्स, त्रुटियां सुधार करने वाला के कविवर। आपका जो जन्म है, जन्म, जन्मस्थान, वंश इत्यादि के बारे में काफी लोगों में मतभेद है। यह इज नॉट डिसाइडेड द पर्टिकुलर व्हेन ही बॉर्न, व्हेन इज द व्हाट इज द बर्थ प्लेस एंड हियर द रिलीजियन इज लाइक दिस, यू आर हैविंग द डायनोमो इन दिस थिंग्स, राइट। इन चीज़ों के बारे में काफ़ी लोगों में वेरिएशन डिफरेंटेस, यू कैन सी द वेरिएशन डिफरेंटेस बिटवीन अबाउट हिज बॉर्न प्लेस एंड व्हेन ही बॉर्न एंड व्हाट इज द रिलीजन लाइक दिस को मतभेद है। माना जाता है कि आपका जन्म 1455 में हुआ। कब माना जाता है? 1455 में क्या हुआ है? जन्म माना जाता है, इमेजिन टू दैट। तो ही वॉज बॉर्न इन 1455 एंड व्हेन ही वॉज इन काशी। कहाँ पे जन्म हुआ है? काशी में इनका जन्म हुआ जैसा माना गया। क्या देखा गया? कबीरदास के जन्म इत्यादि के बारे में काफ़ी लोगों मतभेद है, फिर भी माना जाता है कि आपका जो जन्म हुआ है 1455 में और काशी प्रांत में हुआ है। इमेजिन दैट ही वॉज बॉर्न इन बर्थ प्लेस इज काशी एंड ईयर व्हेन ही बॉर्न अप्रोक्सीमेटली इन ईयर बाय 1455। वे अनपढ़ थे, अनपढ़ माने इलिटरेट, इलिटरेटर। सो तो आपके गुरु रामानंद जी हैं। गुरु मीन्स द फाउंडर और टीचर, फाउंडर। सो रामानंद के ये शिष्य माने जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी के अनुसार वे वाणी के डिक्टेटर माने जाते हैं। वाणी मीन्स वॉइस,
डिक्टेटर वाणी के डिक्टेटर माने डिक्टेटर मीन्स तो मौखिक रूप से बताने वाला हूं, मौखिक रूप से बताने वाले। हाँ तो ठीक है, आपकी जो मृत्यु हुई है 1555 में 75 में और मगहर में बताएगी। When he born in Kashi in 1455, but his death is 15, is it not 1575 in Maghar. Maghar एक प्रांत के अंतर्गत ये मृत्यु बताई जाती है। आपके काव्य का आधार उनकी आत्मानुभूति है। इधर confidence selfly he decided and what we observed in the society mean he can explain mean his explanation only atma confidence ane atmanubhuti mane apne aap se kahe jane wala swayam ki anubhuti anubhuti means experience right? आपके दोहों में जनता को संदेश देने की प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति कहने किसे कहते हैं? आदत है में यहां पर प्रधान देखी जाती है। ये आपके दोहों में दोहा किसे कहते हैं? दो पंक्ति वाला विषय। हाँ तो ये दो पंक्ति वाला जो कविता होती है उसको दोहा गया। चार पंक्ति वाले को पद है, यानी सोरठ सवैया जिस तरह से भिन्नता बताई गई, जैसे पद्य गद्य भाग के अंतर्गत कहानी एकांकी जीवनी जैसे हैं, पद्य भाग के अंतर्गत दोहे सोरठ सवैया पद ऐसे बताई गई। और आपको दोहों के अंतर्गत क्या बताएं? जनता को संदेश देने वाले मेन द गिविंग द मैसेज, यानी व्हाट इज हिज वॉइस इन हिज एक्सप्लेनेशंस मीन्स यार द गिव द एन मैसेज द हाउ टू द डेवलप और व्हाट इज द लाइफ ऑफ द सोसाइटी राइट। जनता को संदेश देने की प्रवृत्ति है, आदत है। इज नॉट हैव द सेल्फिश but he can explain his own experience that he can do any what is good what is bad right। तो इस प्रकार से प्रवृत्ति प्रधान है, आदत है, हैबिट। तो आपकी प्रमुख रचना बीजक है। आपसे एक व्यक्ति से एक प्रकार की रचना नहीं होती है, भिन्न भिन्न की रचनाएं होती हैं। सब में सबकी मान्यता नहीं होती है, किसी एक रचना को मान्यता होती है उसी को हम प्रमुख रचना कहते हैं। मीन्स दैट वन ऑफ द ऑथर आर पोएट इज नॉट राइट वन ऑफ द एनी कॉम्प्लीमेंट्स, दैट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स आर देयर। सो आउट ऑफ देम द ओनली द फ्यू ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इज ओनली वन आर फ्यू आर द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर फेमस है ना। सो बीजक है मेन, इनकी प्रमुख रचना क्या है? प्रमुख रचना क्या है? ये बीजक है, बीजक इनकी रचना बताई गई। यह आपकी एकमात्र प्रामाणिक रचना है। इज ओनली वन ऑफ द फेमस अने कॉम्प्लीमेंट बाय द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कबीरदास। इज नॉट राइट एनी अदर एने कॉम्प्लीमेंट्स, दैट वन ऑफ द ओनली वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट दैट्स बीजक है। ओके तो रचना है, इसके तीन भेद है। भेद का माने भाग, क्या बताया गया? भाग मीन्स पार्ट्स, भाग राइट। सो आपकी भाषा जो होती है व्हाट द लैंग्वेज, व्हाट लैंग्वेज ही यूज है? लैंग्वेज इज अ सदुखड़ी भाषा, जस्ट लाइक खिचड़ी भाषा बोलते हैं, मिक्सर लैंग्वेज। व्हाट इज विच लैंग्वेज ही वाज यूज इन द मिक्सर लैंग्वेज, मिक्सर लैंग्वेज
राइट। इस प्रकार भिन्न भिन्न भाषाओं के संबंधी अनेक शब्द इसमें जोड़े जाते हैं, जिसको हम सदुखड़ी के नाम से माने जाते हैं, माना जाता है। तो इस प्रकार आपकी जो भाषा है वो सदुखड़ी है। और आपकी रचनाओं के तीन भाग जो होते हैं वो साखी, सबल, रामायणी। इस साखी के अंतर्गत क्या देखा गया? दोहे है, मीन दो पंक्ति वाले विषय, या दो पंक्ति की काव्य रचना। एच पद का जो होता है, पद चार पंक्ति वाले विषय है ना, ये सवैया अधिक है, मैंने छ आठ नौ इस तरह से पंक्तियां। इस प्रकार जो रचना हुई है सवैया का रूप है, दोहे ने पद सोरटे सवैया इस तरह से है, दोहे पद और सोरटे, या इसी को सवैया भी कहते हैं। राइट। इसमें इनसे लिखी गई दो, इनके लिखे गए दोहों के अंतर्गत क्या देखा गया? नीति संबंधित दोहे हैं। इनसे लिखे गए जो भी दो दो पंक्ति में रचना की गई वो क्या है? नीति संबंधी, मीन्स गिविंग द मॉरल एजुकेशन इन दिस साखी। राइट। अनदर वन इज बाह्य आडंबरों के बारे में, मीन्स यार मेकअपिंग आर यार मेंटेनिंग ऑफ दैट सोसाइटी, मीन बाह्य आडंबर। आडंबर का माने क्या होता है? दूसरों को आकर्षित करने वाले। आडंबर का माने आडंबर, आकर्षित करने योग्य, आकर्षित करने योग्य। यार अट्रैक्टनेस, यार अपीयरेंस, यार अट्रैक्टनेस और अपीयरेंस, अपीयरेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग और टू अदर्स। सो यहाँ सवैया या सोरठे के अंतर्गत एकता के संबंध में यूनिटी के बारे में बताए। यहाँ पे क्या है? यूनिटी, यू एन आई टी वाई, यूनिटी के बारे में। तो इस प्रकार क्या बताए? एक भिन्न भिन्न भाषा और रचनाओं के अंतर्गत की गई रचना जो होती है वो कबीरदास की रचना है, जिसमें सदुखड़ी के रूप से माना गया। तो आपकी जो भाषा है सदुखड़ी, और इसके अंतर्गत जो रचना की गई है वो बीजक के संबंधी, और ये बीजक के रचना के अंतर्गत तीन भेद है भाग, वो साखी, सबल, रामायणी। साखी के अंतर्गत साखी दो दो पंक्ति वाला विषय दोहन के संबंधी है, साखी जो सबद जो होता है वो पद के संबंधी है, और ये रामायणी जो होते हैं वो सोरठे के संबंधी। और इस प्रकार ये एक एक भाग जो होते हैं एक एक विषय के संबंधित वर्णन किया गया, जिसमें नीति संबंधी भावनाओं को बताया गया जो संदेश है, और इसके बाद बाह्य आडंबरों के बारे में। तीसरा जो होता है रामायणी के अंतर्गत हमें बराबरी का रूप बताया गया, एकता का माने इसमें बराबरी से दर्शन, एकता और बराबरी। ये बराबरी क्यों बताया गया? क्योंकि तत्कालीन के अंतर्गत अने भगवान के भक्ति संबंधों में जब देखा गया भिन्न भिन्न दर्शन भगवानों का आराधना की जाती थी, पूजा की जाती थी, अने तो जिसमें कोई राम भगवान अने महान है और कोई जो है शिव भगवान को महत्व देता है, महान मानता है। तो जब कबीरदास कहते हैं कि कोई भाषा भेद नहीं, कोई धर्म का अने एक भेद नहीं होता है, राम रहीम एक है, जिसमें क्या होता है? देयर इज नो रिलीजियन, ऑल द गॉड्स आर वन, मीन्स द नेम्स आर डिफरेंट, प्लेस कैन लिविंग प्लेसेस विल बी डिफरेंट, दैट इज शेप्स आर डिफरेंट, बट द गॉड इज वन, दोज हु आर क्रिएट द क्रिएशन कॉल्ड एज ए क्रिएटर, दैट्स अ गॉड। ओके, इस प्रकार से इन्होंने क्या बताया? सभी लोगों को, समाज के भिन्न धर्म के लोगों को, भिन्न भाषा का प्रयोग करने वालों को एकता लाने के लिए, एक यूनिटी लाने के लिए, समानता लाने के लिए इन्होंने क्या किया? रामायणी का प्रयोग किया। ये अनपढ़ कवि थे, मीन ही वॉज इलिटरेट, बट हाउ टू पॉसिबल टू राइट
हाउ इज पॉसिबल मीन्स देर क्या होता है मीन्स द स्टूडेंट्स दोज हैविंग द लर्निंग अंडर हिम अंडर हिज मीन अंडर द कंट्रोल ऑफ द कबीर दास दोज पीपल आर डूइंग वर्क एंड दे कैन राइट देयर ओन लैंग्वेजेस इन डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट वेस लैंग्वेजेस ऑल्सो राइट. तो इस प्रकार से इनके कई शिष्य थे. इनके शिष्य के अंतर्गत शिष्यों ने क्या किया, इनके से की गई भावनाओं को आकर्षित होकर अने ध्यान देते हुए उनके भावनाओं को अपनी भाषा के रूप देते हुए इसका रचना का रूप दिया है, जिससे अने कबीरदास का बड़ा महत्व बताया गया. और कबीरदास के जीवन परिचय में देखा गया तो आप एक ब्राह्मणी से जन्म लिए हुए थे, ब्राह्मण हिंदू धर्म के, लेकिन उनका जो पालन पोषण हुआ है वो क्या है, एक विधवा ब्राह्मण से जन्म लेने के कारण उन्होंने क्या किया है, अपने एक लोक लज्जा के लिए क्या करती हैं वो उसके एक नदी के किनारे छोड़ देती हैं, है ना, लहर तारा नामक नदी के किनारे छोड़ती हैं. तो वहाँ से एक जुलाहे दंपतों ने जो वीवर्स कहते हैं, वो वीवर्स दंपत माने कपल ऑफ द वीवर्स, दोज आर नॉट हैव एनी दैट द माने उन लोगों को कोई संतान के अभागे थे, हैं. तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उस वाले संतान को मैंने उस वाले लड़के को जो उसने अरे नदी के किनारे छोड़ रखा था उस वाले को अपने गोद लिया, लेकर घर जाकर उसको अच्छे से पालन पोषण किया है. और अंत में जाने के बाद उसको क्या नाम रखा गया, तो वो है कबीरदास. और ये अच्छे समाज के सेवी थे, अच्छे से अने क्या होते हैं रचना कवि थे, और इस प्रकार अच्छा ज्ञानवान थे. लेकिन इनको पालन पोषण अकेले एक संतान बहुत दिनों के बाद संतान के होने से उनके नीरुनीमा नामक जुलाहे दंपतों ने इनको क्या किया है, उसको पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण क्या हुए, वो अनपढ़ थे लेकिन समाज के अंतर्गत होने भावनाओं को अच्छा ज्ञान दृष्टि देते हुए इन्होंने क्या है समाज को सुधार करने का प्रयास किया एक समाज सेवक के रूप में. इस प्रकार से उन्होंने क्या है अपने हिंदी के साहित्य के संबंधी बहुत अपार सेवा की है. इस प्रकार से कबीरदास के बारे में जीवन परिचय जो होता है वो विस्तार सा भी विषय देखा जाता है, लेकिन संक्षिप्त में इस वाले विषय को यहाँ तक देखें अगले अंतर में अने विषय अगले स्तरों के अंतर्गत आप इसको विस्तार से विश्लेषण देखेंगे. धन्यवाद.